दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं मनरेगा में जो 7 प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं उसके बारे में जानकारी दी थी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 7 प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं इन्हें आप ऑनलाइन कैसे देखें। ये छोटा सा 3-4 मिनट का डेमो वीडियो है। उसे प्रारंभ करने के पूर्व मैं चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ये बगल वाली घंटी की बटन को अवश्य दबा दें। जब आप घंटी वाली बटन को प्रेस करते हैं तो इस प्रकार का एक ऑल का भी बटन आता है, प्लीज आप इसे भी क्लिक कर दें जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और ये वीडियो देखते समय आपके मन में यदि किसी प्रकार के प्रश्न और क्वेरीज हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मनरेगा के अपडेट्स के लिए एक मेरा फेसबुक का ग्रुप है जिसका नाम है मनरेगा क्रिएशंस। मनरेगा के अपडेट्स के लिए प्लीज आप इसमें भी ऐड हो जाइए, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करिए narega.nic.in। तत्पश्चात आप इसके ओल्ड वर्जन पे क्लिक करके इस वेब पेज पे आ जाइए। सर्वप्रथम आप स्टेट पे क्लिक करिए। स्टेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ हिमाचल प्रदेश पे क्लिक करिए। इस डेमो वीडियो के लिए मैंने मंडी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया है तो मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करता हूँ। तत्पश्चात मैं गोहर ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ। इसके पश्चात मैं शाला ग्राम पंचायत पे अगेन क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का वेब पेज हमारे सामने ओपन होता है। इसे मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे देखिए R6 में लिखा हुआ दिख रहा रजिस्टर्स, और इसमें हमें 7 प्रकार के रजिस्टर्स दिख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इन 7 प्रकार के रजिस्टर्स के बारे में ऑनलाइन बताऊंगा। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो जॉब कार्ड संबंधित डिटेल्स रहती है वो रहती है रजिस्टर 1 में। और रजिस्टर 1 में देखिए 4 पार्ट दिख रहे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एवं पार्ट डी। पार्ट ए में जॉब कार्ड से संबंधित आवेदन की डिटेल्स रहती है, पार्ट बी में जॉब कार्ड के रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स रहती है एवं पार्ट सी में जो जॉब कार्ड इशू किए जाते हैं उनकी डिटेल्स रहती है, और पार्ट डी में रोजगार संबंधी रिपोर्ट रहती है। सबसे पहले हम पार्ट ए पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का और एक वेब पेज हमारे सामने ओपन होता है। चलिए मैं स्क्रॉल करके आपको पूरे इसके डिटेल्स के बारे में दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए, कोई गोपाल सिंह है जिनके 48 इयर्स है, और इनकी वाइफ है जिनका नाम लज्जा देवी है और उनकी 41 इयर्स एज है। लज्जा देवी का अकाउंट हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में है, और गोपाल सिंह का अकाउंट किस बैंक में है यह स्पष्ट नहीं हो रहा, हो सकता है ये जानकारी अपडेट नहीं की गई हो। इस ग्राम पंचायत में कुल 1314 हाउसहोल्ड्स फैमिली हैं जिनकी डिटेल्स ऑफ जॉब कार्ड आप देख सकते हैं। अब हम वापस बैक चलते हैं। अब हम पार्ट बी पे क्लिक करते हैं। देखिए पार्ट बी में केवल एक खाली PDF दिख रही है, अर्थात इस ग्राम पंचायत ने इसे अपडेट नहीं किया है। हम वापस बैक चलते हैं। अब हम पार्ट सी में क्लिक करते हैं। पार्ट सी में जैसा मैंने आपको बताया था कि जो जॉब कार्ड इशू किए जाते हैं उनकी जानकारी रहती है, तो देखिए इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक 22 जॉब कार्ड इशू किए गए हैं। अब हम वापस बैक चलते हैं। अब हम पार्ट डी में क्लिक करते हैं। पार्ट डी में जैसा मैंने बताया था कि ग्राम पंचायत द्वारा अभी तक कितने लोगों को रोजगार दिया गया है इसकी डिटेल्स रहती है। देखिए यहाँ पे जो भी मैं आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ वो 2020-21 की दिखा रहा हूँ। आप यदि पिछले सालों को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 19-20 कर लीजिए। इस डेमो वीडियो के लिए मैं 2020-21 ही सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कोई करतार सिंह करके हैं जिनकी एज 28 इयर्स है। इन्होंने मस्टर नंबर 1444 में काम किया है और इन्हें 2772 रुपए का भुगतान हुआ है, और इनका कोई भुगतान पेंडिंग नहीं है। इसी प्रकार आप स्क्रॉल करके सभी लोगों की डिटेल्स देख सकते हैं। इसमें देखिए लास्ट में अभी तक 1119 पेमेंट्स की डिटेल यहाँ पे अपलोड की गई। हम वापस बैक चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि चौथा नंबर का रजिस्टर रहता है जिसे वर्क रजिस्टर या कार रजिस्टर भी कहा जाता है। हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं उनकी सबकी डिटेल्स हमारे सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पे देखिए 180 कार्यों की डिटेल्स यहाँ अपलोड की गई है। अब हम वापस ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर ही दिख रहा शमशान घाट निर्माण, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस कार्य की समस्त डिटेल्स हमारे सामने ओपन हो जाती है। देखिए इसमें 1 से लेकर 8 तक मस्टर रोल का भुगतान किया गया है जिसका टोटल 70,886 रुपए होता है, एवं जो मटेरियल का भुगतान किया गया है वह इसमें किया गया है 1,84,171 रुपए। सेमी स्किल्ड और स्किल्ड में इस कार पे कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। अब वापस हम बैक चलते हैं। छठवें नंबर रजिस्टर के लिए हम क्लिक करते हैं जिसे हम मटेरियल रजिस्टर कहते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम सभी कार्य इसके देखते हैं। देखिए इसमें 117 कार्यों की डिटेल्स अपलोड की गई है। हम इसमें से कोई सा भी कार सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए 9वें नंबर पे दिख रहा कम्युनिटी किचन सेट एट गवर्नमेंट स्कूल, कोई शासकीय स्कूल में सामुदायिक तौर से किचन सेट का निर्माण किया गया है। इसमें देखिए 11 से लेकर 5539 तक ये वाउचर नंबर हैं जिनमें किस किस फर्म को भुगतान किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे ऊपर ही देखिए कोई निर्मल सिंह सन ऑफ डोलेराम है जिन्हें 1,02,600 रुपए किसी सामग्री का भुगतान किया गया है। देखिए कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी मैंने यह बताया था कि जब हम इस पेज पे आते हैं तो हमें कितना पेमेंट हुआ
इसके डिटेल्स तो मिल जाती है, परंतु किस सामग्री का भुगतान किया गया है इसकी डिटेल्स हमें नहीं मिलती। तो देखिए, इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया था, यह उसका थंबनेल दिख रहा है, आप मेरे चैनल पे आकर इसे सर्च करके देख सकते हैं कि यह जो 1,02,600 रुपए भुगतान हुआ है वह किस मटेरियल पे किया गया है। इसी प्रकार आप अन्य वेंडर्स की डिटेल भी देख सकते हैं। चलिए हम वापस बैक चलते हैं। अब हम आते हैं 7वें नंबर के रजिस्टर पे, जिसे कंप्लेंट रजिस्टर या शिकायत रजिस्टर कहा जाता है। हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पूरा ब्लैंक दिख रहा है। यहाँ पे तो यह हो सकता है कि किसी ने आज तक ग्राम पंचायत की कोई शिकायत ही नहीं करी हो, या ये भी हो सकता है कि शिकायत को इस पेज पे एंटर ना किया गया हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ये देखिए मेरे दोनों नंबर हैं, पहला नंबर मेरा कॉलिंग है और दूसरा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।